दादा, ऐसे हालात में मुख्यमंत्री के लिए अपना चयन किया गया है, क्या कहेंगे जबकि हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो चुके हैं? राज्यपाल के पास आप लोगों ने दावा किया कि आपके पास बहुमत है। देखिए, हमारा आदर्श है गुरु जी, और ये आदर्श हमारा गुरु जी के हम आया थे। और शोषक लोग के साथ लड़ना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, और झारखंड को कैसे संवारना है, इसीलिए हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज जो यहाँ आए हैं हमारा गुरुजी, इनका आदर्श, और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष, और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ईडी का, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से पूरे दिन में पूछताछ हुई, शाम को राजभवन से उनको कस्टडी में लिया गया और अरेस्ट किया गया। देखिए, ये सारा चीज आप लोग देख लिया है, यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। आपने कहा कि आपके पास बहुमत है, क्या राज्यपाल से टाइम मिला है सिद्ध करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए? अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? हमारा एक पास 47 है।